सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपको व्यवहार से संबंधित कुछ बातें बताने वाली हूँ कि हम सभी को दैनिक जीवन में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो उससे संबंधित दो श्लोक हैं। सबसे पहला श्लोक मैं आपको बताती हूँ और उसके बाद मैं आपको उसका अर्थ समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद हम उसके अर्थ को समझते हैं। सबसे पहला श्लोक है, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा दीपो दिने यथा। फिर से करते हैं, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा दीपो दिने यथा। अर्थात वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृष्टि यानी बारिश, समुद्र माने समुद्र, तो समुद्र में बारिश होना व्यर्थ है। कहने का तात्पर्य है कि समुद्र में अथाह जल होता है, अथाह पानी होता है। अगर हम समुद्र में बारिश हो जाती है तो समुद्र को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समुद्र को पानी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि समुद्र में बारिश होना व्यर्थ है। समुद्र तो वैसे ही इतना पानी से भरा हुआ है, अथाह सागर है, अथाह जल है, अपरिमित जल है। अब उस जल में अगर बारिश हो जाती है तो समुद्र के पानी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि जहां पानी की आवश्यकता है वहां पर पानी बारिश हो तो उसकी उपयोगिता है। इसी तरह से वृथा तृप्तस्य भोजनम, यानी जो भरा पेट है, जिसका पेट भरा हुआ है, जो जिसकी आत्मा पूरी तरह से तृप्त है, जो स्वादिष्ट भोजन खाता है और उसको उसको जो है वो भोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको भोजन देते हैं, उसको भोजन कराते हैं या उसको भोजन खिलाते हैं, तो उसके लिए भोजन का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका पेट तो पहले से ही भरा है, वो पूरी तरह से तृप्त है। तो दूसरे अर्थों में हमें उस व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए जो भूखा है, जिसका पेट खाली है, जिसको भोजन की वास्तव में आवश्यकता है। ऐसे लोग, ऐसे गरीब लोग जिनको दो वक्त की रोटी भी ढंग से मिल नहीं पाती है, प्राप्त नहीं हो पाती है, जो गरीब हैं, हमें उनको भोजन कराना चाहिए क्योंकि उनको भोजन की आवश्यकता है। अगर हम भरे पेट को भोजन कराएंगे तो भोजन उस भरे पेट वाले व्यक्ति के लिए भोजन का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। तो हमें भोजन उसको कराना चाहिए जिसको वास्तव में भोजन की आवश्यकता है। जो भूखे लोग हैं, जो जिनको भोजन नहीं मिल पाता है, हमें उनको भोजन कराना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। इसी तरह वृथा दानम समर्थस्य, अब जो समर्थवान है, जिसके पास पैसे पहले से ही, रुपया पैसा बहुत ज़्यादा है, जो पहले से ही धनवान है, जिसके पास पहले से ही सब कुछ है, ऐशो आराम है, हर चीज़ है, तो उसको अगर हम दान करते हैं तो उसके लिए दान का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उसके पास पहले से ही सब कुछ है, वैभवशाली है, समृद्धशाली है, धन है उसके पास, हर चीज़ है। तो अगर हम उसको व्यक्ति को दान करते हैं तो उस दान का कोई महत्व नहीं रहता, उस व्यक्ति की दृष्टि में उस दान का कोई महत्व नहीं है। हमने तो उसको दान कर दिया, हमने सोचा हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने किसी को दान किया है, लेकिन हमने उस व्यक्ति को दान किया है जिसके पास पहले से ही धन और पैसा है, तो उस व्यक्ति के लिए उस दान का कोई महत्व नहीं है। दूसरे अर्थों में कहने का तात्पर्य यह है कि हमें उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, उस व्यक्ति का दान को दान देना चाहिए, या उस व्यक्ति की हमें रुपए पैसे से सहायता करनी चाहिए जिसको वास्तव में उसकी ज़रूरत है, जिसको वास्तव में उस पैसे की ज़रूरत है। तो हमें उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, ना कि उसकी जिसको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। और वृथा दीपो दिने यथा, अंत में क्या, वृथा दीपो दिने यथा, यानी दिन में अगर हम दीपक की रोशनी करते हैं तो उस रोशनी का कोई महत्व नहीं रहता, उस प्रकाश का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि दिन में सूरज का प्रकाश होता है,
सूर्य का प्रकाश इतना होता है, प्रकाशित रहता है, सब जगह उजाला रहता है, तो उस समय अगर हम दिन में दीपक जलाएंगे तो उस रोशनी का कोई महत्व नहीं रहता है। अब हमारा दूसरा श्लोक है, जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरेते घटः, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरेते घटः, सा हेतु सर्विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। तो जल बिंदु निपातेन यानी जल की बूंदे गिरने से क्या होता है, क्रमशः पूरेते घटः, क्रम से धीरे धीरे करके घड़ा भर जाता है, यानी अगर एक एक बूंद भी घड़े में गिरता रहता है तो धीरे धीरे करके घड़ा पूरा भर जाता है। सा हेतु सर्विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, तो वही कारण यानी यही कारण सभी विद्याओं में भी लागू होता है, धन में भी लागू होता है और धर्म में भी यही कारण लागू होता है। यानी विद्या में किस तरह से होता है कि विद्या को अगर हम थोड़ा थोड़ा रोज विद्या का अभ्यास करें, हम थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ें तो हमें परीक्षा के समय कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। हम सोचते हैं परीक्षा आ जाएगी तो हम एक साथ सारा पढ़ लेंगे, तो हम एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं। अगर हम पढ़ भी पाते हैं तो हम उतना अच्छा जो है वो उतने अच्छे अंक हासिल नहीं कर पाते हैं या उतना अच्छा हमें परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए जिस तरह से धीरे धीरे बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार से विद्या ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी विद्या ग्रहण करने से, थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास करने से हमारा अभ्यास भी अच्छा हो जाता है और हम पूरी तरह से अंत में परीक्षा के समय हम अच्छा जो है वो हमारा परिणाम आता है और हम परीक्षा अच्छी प्रकार से दे पाते हैं। इसी तरह से धन का और धन का भी यही कारण है। थोड़ा थोड़ा अगर हम धन संचय करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर हम धन इकट्ठा करते रहते हैं तो आड़े वक्त में वो धन हमारे काम आता है। हम सोचे कि हम थोड़ा एक साथ जो है वो धन इकट्ठा कर लें या एक साथ हमें कहीं से पैसा मिल जाए और हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। ये व्यवहार की बात है कि हम हर महीने जितना भी जो भी हम पैसा वेतन मिलता है, हम उसमें थोड़ा थोड़ा अगर हम हमेशा बचाते रहें, हर महीने बचाते रहें, तो हमें कभी भी आड़े वक्त में मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास अपना संचय किया हुआ धन होगा। क्योंकि जीवन है, जीवन में मुसीबतें भी आती रहती हैं, तो ये धन हमारा उस समय काम आता है। तो थोड़ा थोड़ा बचाने से धन जो है वो इकट्ठा हो जाता है और उस धन का हम आड़े वक्त में कठिनाई के समय, मुसीबत के समय उस धन का उपयोग करते हैं। और इसी तरह धर्म का, यही कारण धर्म का भी होता है। धर्म का कैसे होता है कि थोड़ा थोड़ा हम धर्म के काम करें, है ना। अब धर्म के काम करने से मतलब पूजा पाठ या इस चीज़ से नहीं होता। धर्म क्या है, मानवता हमारा सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत हमारा सबसे बड़ा धर्म है ना, और मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम मानव हैं, मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तो ये हमारा, तो इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, मानवता की हमें सहायता करनी चाहिए, समाज के लिए हमें काम करने चाहिए। तो इस तरह से हमें धार्मिक कार्य भी करने चाहिए, जैसे जैसे आपकी सुविधा, जो आपकी सुविधा के अनुसार काम हो सका है, उतना हमें ज़रूर दूसरों की मदद करनी चाहिए, मानवता के काम आनी चाहिए। जितना हम दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों की सहायता कर सकें, परोपकार कर सकें, वो हमें अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए। तो इस प्रकार आज के दोनों श्लोक व्यवहार से संबंधित थे, व्यवहार की बातें थीं जो हमें अपने दैनिक जीवन में ज़रूर लागू करनी चाहिए।